हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज पढ़ते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार, इसमें यह होता है कि जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहीं भी आपको तुलना दिखे तो वहां पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। इसमें अब देखते हैं, इसके चार अंग हैं, आइए देखते हैं। तो चार अंग है, तो पहला अंग है उपमेय, ठीक है। पहला अंग उपमेय है, दूसरा उपमान है, तीसरा है साधारण गुणधर्म, चौथा है सादृश्यवाचक। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है, ठीक है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म क्या होता है? जो दोनों में हो, उपमान और उपमेय जो दोनों में सेम हो साधारण गुणधर्म कहलाता है। फिर है लास्ट है सादृश्यवाचक शब्द। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में आते हैं और उनसे पता लगता है कि हाँ तुलना की जा रही है, जैसे सा, जैसा, ज्यों, समान, ऐसा, कहीं कहीं सम लिखा रहता है, ठीक है, सम अभी दिखेगा आपको। तो आइए देखते हैं इन चारों अंग का यूज देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख, तो यहाँ मुख उपमेय है, ठीक है, और मुख की तुलना की जा रही है चंद्र से, कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख की तुलना की जा रही है तो मुख उपमेय है, चंद्र से तुलना की जा रही है तो चंद्र उपमान है। सा क्या है? ये सादृश्यवाचक है, सा, सा जैसा, ज्यों, समान, ठीक है। और सुंदर क्या है? सुंदर है साधारण गुणधर्म, मतलब ये दोनों में आ रहा है। मुख को बताया जा रहा है इतना सुंदर है कि चंद्रमा के जैसा है, ठीक है। तो मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो इन दोनों में सुंदर आ रहा है, तो सुंदर जो है ये साधारण गुणधर्म है, ओके। और सा सादृश्यवाचक है। आई होप आपको ये अंग समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इसके प्रकार। उपमा के दो प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा आपको समझ में आ रहा होगा, उपमा ऐसा वाक्य जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हो, उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म, सादृश्यवाचक, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर, ठीक है, ये पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। जैसे लुप्तोपमा, जैसे उष्मा का उष्मा, चार अंग में से कम। अब देखते हैं लुप्तोपमा। लुप्तोपमा में क्या है? इसमें उपमा के चार से कम अंग मौजूद हो, जैसे कि जैसे मुख चंद्र सा सुंदर। अब लुप्तोपमा का एग्जाम्पल क्या होगा? मुख चंद्र सा बस आ जाएगा, मुख चंद्र सा है, सुंदर हटा दिया जाए तो केवल तीन ही अंग आएंगे, तो इसको लुप्तोपमा बोलेंगे। इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बट एक बार जान जाओ, ठीक है। और इसके बाद आए हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, अलग अलग टाइप के भी लिए हैं, जिसमें कि ये सा, जैसा, ज्यों, समान, ऐसा, सम वाक्य ना आए, मतलब ऐसे शब्द ना आए जिसमें, ऐसा एग्जाम्पल भी लिया, क्योंकि उन्हीं में ही हमें प्रॉब्लम होती है पहचानने में। और नॉर्मल जिसमें सा ये सब वर्ड तो हम तुरंत पहचान जाते हैं। तो मुख चंद्र सा सुंदर एक ये तो है एग्जाम्पल। दूसरा है पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। यहाँ सरिस का मतलब यह समान, ठीक है, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, ठीक है। सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है और ये आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स में आपको करा रही हूँ। सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा। नेक्स्ट है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो ये सम आ गया, यह उपमा अलंकार होगा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब अगला एग्जाम्पल है छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, तो छत्र सा सिर पर, तो यहाँ पर सा आ गया, मतलब यहाँ पर सा आ गया, तो ये उपमा अलंकार होगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम या समान कुछ भी आए उपमा अलंकार होगा। ये सब पहचानने के ट्रिक्स होते हैं और इसमें है भी इसके अंग में, तो इनसे हम पहचान लेते हैं आसानी से। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, एक ही एग्जाम्पल है। फिर लास्ट है सिंधु सा विस्तृत है अथा एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा यहाँ पर आ गया ना,
सा यहां पर आ गया तो यहां भी उपमा अलंकार होगा। तो और यहां पर क्या, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, इसमें जैसे शब्द आ गया तो फिर यहाँ उपमा अलंकार होगा। आपको ये शब्द याद रखने हैं, ये कहीं भी दिख जाए मतलब उपमा अलंकार होगा, ठीक है, इजिली पहचान जाओगे। और जिनमें ये शब्द नहीं होंगे उनको याद कर लो, बस उनका कुछ कोई ट्रिक नहीं है। सहवालों की हरी दरी पर कड़ा कलह छिड़ते देखा, ये एक याद कर लो, अलग सा है ना, बाकी सब में तो पहचान आपको पता ही है। और बस हो गया, पीपर पात सरिस मंडोला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपर पात वाला, एक पीएससी वगैरह में भी पूछता रहता है कई सारे एग्जामों में, तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको आज का उपमा अलंकार का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।